अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शिगरी डिज़ाइन हब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाना सीखेंगे गूगल क्रोम लोगो इन इलस्ट्रेटर। तो आज हम सीखेंगे गूगल क्रोम लोगो कैसे बनता है, इलस्ट्रेटर में गूगल क्रोम लोगो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे हम एक एलिप्स टूल लेंगे। एलिप्स टूल लेने के बाद अब हम इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे। शिफ्ट के साथ अब हमने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद अब हम इसका कलर फिल करेंगे। एक हमने इसका कलर फिल कर लिया। उसके बाद अब हम इसकी आउटलाइन बंद कर देंगे। आउटलाइन बंद कर दी। अब हम इसकी लेंगे एक कॉपी। एडिट के ऑप्शन में जाके कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक के साथ अब हम इसको ड्रैग करेंगे। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक किया तो इसकी एक कॉपी बन गई। अब इसका हम कोई और कलर फिल कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड करने के बाद इसकी एक कॉपी निकल आई। अब हमने सेम वही प्रोसेस करना है। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस और लेफ्ट क्लिक के साथ अब हमने इसको दोबारा ड्रैग किया तो इसकी एक और कॉपी निकल आई। अब इसकी एक और कॉपी बन गई। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करना है, सेम वही प्रोसेस। इसका भी कोई और कलर हम फिल करेंगे। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, इसका कलर फिल किया। कलर फिल करने के बाद राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड करने के बाद इसकी एक और कॉपी निकल आई। एक और कॉपी बन गई। तो गाइस अब हम लेंगे लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल लेने के बाद अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ करनी है सेंटर पॉइंट से, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। अब हम इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। याद रखिएगा सेंटर पॉइंट से इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर पॉइंट से अब हमने इसकी एक लाइन ड्रॉ की। लाइन सेगमेंट टूल से इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद रोटेट टूल सेलेक्ट करेंगे, इस जिसकी शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल आर। तो कीबोर्ड से हमने कंट्रोल आर प्रेस किया। एक पिवट का ऑप्शन आया। इस पिवट को हमने बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ला के रखना है। याद रखिएगा बिल्कुल सेंटर पॉइंट में इसको ला के रखना है। तो अब हमने इस ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है तो एक इंटरफेस ओपन होगा, रोटेट इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइस ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे तो एक इंटरफेस ओपन होगा, रोटेट इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइस एक इंटरफेस ओपन हो गया। अब हम इसको लेंगे 360, क्योंकि एक सर्कल का मैप जो होता है ना वो 360 होता है। 360 स्लैश थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। थ्री पे इसको डिवाइड कर देंगे। थ्री पे डिवाइड किया तो अब हम इसकी लेंगे कॉपी। तो इसकी एक कॉपी बन गई। तो इसकी कॉपी लेने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो ये सर्कल हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे तो गाइस देखें हमारा सर्कल थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब हम लेंगे लाइफ पेंट बकेट टूल। लेने के बाद अब हम इसके पार्ट्स में कलर फिल करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम रेड कलर फिल करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कलर फिल किया रेड।
एंड सेकंड पार्ट में हम येलो कलर फिल करेंगे। येलो कलर फिल किया और थर्ड पार्ट में हम ग्रीन कलर फिल करेंगे। और हम लेंगे वाइट कलर। तो अब हम इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके कर्सर को बाहर क्लिक करेंगे तो इसके एक्स्ट्रा लाइन रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस हमारा गूगल क्रोम लोगो रेडी हो गया। तो गाइस हमारा गूगल क्रोम लोगो रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे टेक्स्ट टूल। अब हमने टेक्स्ट टूल ले लिया है तो अब हम इसमें टाइप करेंगे गूगल क्रोम। तो गाइस अब हम गूगल क्रोम टाइप करेंगे। अब हमने सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका साइज़ बढ़ा दिया। अब इसका साइज़ बड़ा करेंगे। गाइस हमने गूगल लिखा है। अब हम गूगल का साइज़ हम 15 अब हम इसका फॉन्ट स्टाइल देखेंगे। फॉन्ट स्टाइल आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर। तो गाइस अब हम टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके इसके किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करके हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब हमने इसका कलर चेंज कर लिया तो हमारा गूगल क्रोम हो चुका है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।